नमस्कार मित्रों। मित्रों, सबसे पहले किसने हनुमान जी की आराधना की है, आइए आपको इस कथा के माध्यम से समझाते हैं। कहते हैं, राम भक्त हनुमान जी के स्मरण मात्र से भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपने जीवन के विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए हर कोई हनुमान जी की आराधना करता है। हनुमान जी की स्तुति और उन्हें स्मरण करने के लिए कई साधु संतों ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण जैसे कई स्तोत्रों की रचना भी की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की आराधना किसने की है? तो मित्रों, जिस शख्स ने सबसे पहले हनुमान जी की आराधना की थी, उसके बारे में जानने से पहले इस पौराणिक कथा को जानना बेहद जरूरी है। मित्रों, रामायण की एक कथा के अनुसार सीता जी के अपहरण के बाद जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को छोड़कर अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। अशोक वाटिका के अलावा उन्होंने विभीषण का भवन नहीं जलाया, क्योंकि उस भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था और भवन के ऊपर श्री राम का नाम लिखा हुआ था। राम जी की भक्ति में लीन विभीषण ने श्री राम की शरण में जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन विभीषण की इस याचना पर सुग्रीव ने इसका विरोध जताया और कहा कि ये श्री राम के शत्रु रावण के भाई हैं, इसलिए इसे शरण देने की बजाय दंड देना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने सुग्रीव के इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि विभीषण रावण का भाई है, महज इस बात के लिए विभीषण का विरोध करना उचित नहीं होगा। फिर कुछ रुक कर हनुमान जी ने कहा कि जो एक बार श्रद्धा से मेरे शरण की याचना करता है और कहता है कि मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान देता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए विभीषण को शरण अवश्य देनी चाहिए। विभीषण ने सबसे पहले हनुमान जी की आराधना की थी। कहा जाता है कि रावण के भाई विभीषण के भवन के ऊपर श्री राम का नाम लिखा हुआ था और विभीषण ने ही राम जी की शरण में जाने के लिए सबसे पहले हनुमान जी की आराधना की थी। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सबसे पहले विभीषण ने ही हनुमान जी की स्तुति की थी, जिसके बाद विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना भी की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वडवानल स्त्रोत कहते हैं। स्त्रोत, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका मतलब है कि जो इंसान हनुमान जी की आराधना करता है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें भय मुक्त जीवन का वरदान देते हैं। तो मित्रों, एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय महाबली हनुमान जी की। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में बताइए, और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही सुंदर सुंदर भक्तिमय कहानियों को सुनने के लिए तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।